हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग्स। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो कोई भी मेरे लिए सपोर्ट किया है उसके लिए शुक्रिया। जो नया वॉच कर रहा मेरे चैनल में आके क्लिक कर रहा, जो उनके लिए मेरे चैनल जो स्क्रीन पर आता होगा अरब ब्लॉग्स करके, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मैं इधर आर उस सब लोगों को जो मेरा लाइफस्टाइल, जो मैं कैसे बिताता हूँ, क्या करता हूँ हर दिन, जो रूटीन जो है मेरा, जो ड्राइविंग में क्या क्या काम करता हूँ, और कि मैं किधर भी गया पर्सनल तो भी मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आप लोगों को मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी इधर का, जो मैं लाइफ कैसे गुजार रहा हूँ, लाइफस्टाइल मेरा, जो सब कुछ आप लोगों को शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आ रहा होगा। गाइस, मेरा थोड़ा बहुत व्यूज डाउन हो गया, जो मेरे लिए सपोर्ट करो, जो कोई भी देखता फ्रेंड्स लोगों को बोलो शेयर करो मेरा वीडियो, जो है शेयर करके और वॉच करने के लिए बोलो, बिना स्किप करे वॉच करो, पूरा वॉच करने के बाद मेरे लिए सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत चैनल डाउन चल रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, व्यूज नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। तो इस वजह से मेरे लिए सपोर्ट करो गाइस। आज जो है मैं लड़कियों को छोड़ा था कॉलेज पर, यानी कोई मदरसा गया नहीं, और एक स्कूल को जाने वाली लड़की जो है वो भी नहीं गई, तो बस आज कॉलेज वालों को लेके आके छोड़ने का था। तो मैं सोले का ही था, 7 बजे कॉल आया मेरे को आज 7 बजे, शार स्कूल है निकल के आ करके, ठीक है करके मैं सीधा निकल के गया। 7 बजे बुलाई तो 7:40 को निकली, तो छोड़ के उसको अभी 8:10 हो रहा, छोड़ के वापस से रूम पे जा रहा हूँ, जाके देखेंगे इस काम क्या है आज, जो आपका मेरा जो रूटीन है आज का, तो आप लोगों को वो भी मैं शेयर करता हूँ। देखते रहो मेरा वीडियो को, आज का जो भी रूटीन होता, ठीक है। छोड़ के अभी रूम पे जा रहा हूँ इसमें फिलहाल, तो अभी क्या है क्या 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 काम आज का देखेंगे, क्योंकि आज का फील भी इधर ही है जाने वाला, मगर आज नहीं गया, अलखर्च रहा था मेरा कफील, मगर अभी तक नहीं गया, इधर ही है। अगर ये इधर रहा तो थोड़ा बहुत काम भी होता, काम लगाता ये, और लगता शोरूम को भी जाने का है आज, एग्जिट नंबर 13 में, क्या होता देखेंगे। कफील इधर है तो पक्का जाएगा दोपहर को, ऐसा लग रहा मेरे को। और इनको भी अभी कॉलेज लोगों को लेके जाके, जो छोड़ा हूँ लड़कियों को, उनको भी लेकर भी आना, देखेंगे वैसे क्या होता। तो फिलहाल मैं अभी डायरी से अभी चढ़ा ऊपर ताला मॉल के पास, यहाँ अब्दुल अजीज रोड 5 एग्जिट नंबर 5 में, तो यहाँ से मेरे को यू टर्न लिया तो ही मेरा रूम है इधर पे अब्दुल अजीज में। गए जिसको, जो कोई भी सऊदी अरब से जो वॉच करता, जो रियाद में है, उन लोगों का कोई भी पैसा एक्सचेंज करना तो इधर आए, देखो अब्दुल अजीज में ताला मॉल के थोड़ा डाउन उतरे तो यहाँ पे है, चाबी का दुकान है उससे पहले है, ठीक है। ये शवरमा है, शवरमा के थोड़ा 3 या 4 दुकान है जो करेंसी एक्सचेंज करने का, अगर कोई भी ये है तो समझो, इंडिया का पैसा एक्सचेंज करना या सऊदी का पैसा एक्सचेंज करना तो इधर है एग्जिट नंबर 5 में। तो इन लोगों का और भी अभी भी फ्लैग भी अभी तक जो है नहीं निकाल कर है, 2-3 दिन रहेगा ये, उसके बाद ये लोग निकालते। तो आ गया कैसा अब्दुल अजीज में, ये बस के रोड में आ गया, यहाँ पे ना बस सेपरेट चलता है इस रोड पर, बस जो है ये रेड मार्क, जो है रेड मार्क लाइन, तो यहीं से ही जाता है। जो ऐसा कार वाला जो गया वो सबसे बड़ी गलती है, अगर कोई भी मुरूर या ना पुलिस कोई देख लिया तो बहुत बड़ा फाइन आएगा उसको। तो ये आके अब्दुल अजीज रोड है, ये बस, ये रोड में बस लाल जो लाइन नजर आ रही, ये बस बस के लिए ही अवेलेबल है, बस जा सकता, ये थोड़े बहुत लोग है ना चले जाते हैं, कोई देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी है, वो चुप जाके फालतू में मुकलफा क्यों देना, पैसा क्यों भरना, ये है। तो आ गया गाइस मैं अभी फिलहाल, तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ, जब भी मेरे को कॉल आता, मैं लड़कियों को लेने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को सब कुछ मैं फीडबैक यानी अपडेट देते रहता हूँ, मेरा जो रूटीन हर दिन का रहता, मेरे लिए सपोर्ट करो गाइस, ठीक है। चलो मैं अभी यमीन ले लिया था, मेरा रूम आ गया, देखते रहो मेरी, देखते रहो मेरा वीडियो को, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर। गाइस रूम पे गया था तो अभी बज रहा 9:20, नाश्ता करके आओ करके बोली, नाश्ता को तो टाइम नहीं मिला,
तो सीधा निकल गया मैं अभी मैडम के साथ आया था दल्ला हॉस्पिटल में। हाँ, कुछ तबीयत खराब है लड़के की, इसलिए दल्ला हॉस्पिटल पर आया था। जो कफील का जो सबसे छोटा लड़का है, स्कूल भी नहीं गया वो। तो आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर हूँ, दल्ला हॉस्पिटल पर। यहाँ पे जो है गाइस, ये राइट साइड जो नजर आ रहा है, यहाँ पे उतार गया हूँ। ये पूरा जो है सऊदी अरब में रियाद में दल्ला हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये जो लिखा है दल्ला हॉस्पिटल है, यहाँ पे आके इमरजेंसी गेट है। यहाँ से राइट लिए तो गेट नंबर 1 इमरजेंसी है, तो हमारे को पार्किंग जाना पड़ेगा, तो उधर से घुमा कर आएंगे। बहुत सारे गेट हैं कैसे इधर पे, 1 2 3 4 5 पांच गेट है। और हॉस्पिटल भी अलग अलग है, लड़कियों का दूसरा दूसरा हॉस्पिटल भी, बच्चों का अलग है, लड़कियों का अलग है, मर्द लोगों का अलग है, ऐसा सिस्टम भी है इधर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपॉइंटमेंट लेके फिक्स ये करके आते हैं लोग। ये गवर्नमेंट से यानी सऊदी लोगों का, सऊदी लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। फर्जी भी आ सकता है या नहीं आ सकता वो तो मालूम नहीं है, मैं तो आज तक तो आया नहीं। जो बाहर वाला जो इंडिया पाकिस्तान नेपाल जहाँ का भी है, तो आ सकते हैं नहीं वो तो मालूम नहीं। यहाँ पे वैसे जो आगे नजर आ रहा, देखो बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में वो वतन आगे दिन बहुत जबरदस्त पटाखे यानी उड़ते हैं यहाँ पे। तो ये एरिया भी जो है पीछे का बहुत खतरनाक एरिया है। ये घर देखो, ये बहुत बढ़िया बड़े घर है। तो मैं जा रहा हूँ उस साइड से, आएंगे घर के निकल गया। यहाँ से देखो गाइस, क्लीन से अब्दुल्ला सिटी नजर आता, ये परफेक्ट रोड है अब्दुल्ला सिटी के लिए। जूम किया तो परफेक्ट नजर आता, ये अब्दुल्ला सिटी। यहाँ से तो अभी हमारे को राइट लेके पार्किंग लगा के आगे राइट है। ये आगे लेफ्ट साइड में बहुत ही बड़ा बंगला है, इधर बहुत सारे बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े घर है इधर। और इधर अपार्टमेंट नहीं है इस एरिया में, इधर ही रुका देंगे अभी राइट लेके। हाँ, यही जगह है। चलो भाई, सबको जैसे कॉल आता है आप लोगों को बताता हूँ। आगरा जी बैंक भी गरी है, देखो बताता हूँ वो। ये जो है नजर आ रहा है, आगे आगरा जी बैंक जो रियाद के हॉस्पिटल के पास है। मैं ऐसे ही चल के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिखाएंगे करके। यहाँ जो ये आके लड़कियाँ का है इस साइड, ये बिल्डिंग जा रहे और उतार के जाते हैं यहाँ पे। चलो कैसे, जब भी कॉल आता मैं भी निकलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। गैस वहाँ से निकल गए, हॉस्पिटल से निकल के सीधा यहाँ से घर पे आया। घर पे लेके आके मैडम को उतारा, उतारने के बाद वहाँ से कुछ सामान खरीद के लेके आओ करके बोल के, तो लेके आने जाएंगे। मैं तमीमी पर हूँ अभी, तमीमी पर जाकर सामान लेना पड़ेगा, ब्रोन ट्रस्ट चिकन और ये, ठीक है। चलो आप लोगों को लेके चलता हूँ। गैस सामान लेकर आ गए, इसको लेकर क्या कर भी नहीं जा रहा, देखकर सीधा आके रूम पर जाता हूँ। इसके बाद में नहीं, जब भी कॉल आता मदरसे को वो जाना है लेकर आने के लिए, यानी कॉलेज पर जाना है लड़कियों को लेकर आने के लिए। उनको लेकर आने के बाद देखेंगे कपिल क्या हो गया, उधर भी बैठा था, एसी चालू कर लेके बैठा था। मतलब कि आया तो कितने टाइम से ऐसा ही बैठा है, मैं देख ले तेरे को बोल रहा। मैं बोला ये अभी इतनी गर्मी में कैसा हो सकता है बैठने के लिए, करके उससे बात किया। ठीक है, तो अंदर आके बैठे, ऐसा मत बंद गाड़ी में, पेट्रोल ये पूरा खराब नहीं है, पूरा जल्दी खत्म होता बोल रहा। चलो गाइस देखते रहो वीडियो, जब भी कॉल आता मैं निकलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इधर का लाइफस्टाइल जो भी मैं काम करता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, मेरा पूरा लाइफ एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर करते रहूँगा आप लोगों को। तो मेरा वीडियो देखते रहो, आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ब्लॉग्स को, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस, ठीक है। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में गाइस। जैसा तमीमी मिशे खत्म करके रूम पर गया, तो मैसेज आया था कि लड़की को लेकर आओ करके, यानी कॉलेज उसका खत्म हो जाता 11:30 बजे, यानी 11:30 में खत्म होता करके बोले, यानी 12 बजे ही आते। तो आधा घंटा पहले कभी भी माँ मैसेज कर देती जल्दी जाने के लिए, क्योंकि वो आने के लिए टाइम लगता ना, तो कभी कभार जल्दी आ जाते। कॉलेज लोगों का भरोसा नहीं है इन लोगों का, कब बाहर आते हैं कब जल्दी निकलते हैं करके गारंटी नहीं, इस वजह से
मैं भी निकल गया, तो अभी कॉलेज के पास में हूँ। तो आज क्या है, ड्यूटी भी जो कॉलेज है और शाम को जो ड्यूटी लगती है वो ये रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मदरसा चालू हो गया तो ज्यादातर ये कहीं पर नहीं जाते। अगर गए तो लड़कियां जाएंगे, क्योंकि गाड़ी अभी तक गाड़ी नहीं है इनके पास, लड़कियां की जो गाड़ी है नहीं है। इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता, आज का ड्यूटी कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोगों को बताते रहूंगा मैं, जहाँ जहाँ पर जाता हूँ आप लोगों को लेके चलता हूँ। ठीक है गाइस, तो आगे कैमरा आ गया, आप लोगों को बैक साइड का मैं कहाँ पर हूँ बताता हूँ कैमरा पास होने के बाद। ठीक है, मैं अभी फिलहाल ब्रिज के पास हूँ, ब्रिज पास होने के बाद इमीडिएट राइट लेना पड़ेगा हमारे को कॉलेज के लिए। तो कॉलेज के पास तो मैं आ गया फिलहाल, कॉलेज से पिकअप ले करके लेकर जाने के बाद, तो कॉल तो आएगा 5-6 बजे के बाद ही। उसके बाद में थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, थोड़ा फ्रेश अप होंगे जाके आज। तो कल से वापस से सब लोग मदरसे जाएंगे, कल से चालू हो जाता है इन लोगों को। आज छुट्टी ले लिया सब लोग, कफिल भी हॉस्पिटल के पास था यानी आज गया नहीं वाल खर्चे लिए, इंशाल्लाह कल चले गया। तो अगर ये इधर रहा ना कफिल सिटी में यानी इधर ही रहा, तो ये कहीं कुछ ना कुछ काम लगा था, तो इस वजह से ये रहा तो मुश्किल है, इधर भी घुमाते रहता इधर जा उधर जा करके। आगे आ गए सभी, राइट लिया तो कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ मैं, अभी ले लिया गेट के अंदर। जैसे कॉलेज के पास आ गया तो उन लोग को मालूम पड़ जाता कि ये मेरा गाड़ी में जो है कार में GPS रहता, तो उन लोगों को मालूम पड़ जाता मैं कहाँ पर हूँ करके, वो कॉल करके खुद वो आ जाते हैं पार्किंग के पास, तो हमसे वहाँ से लेकर पिकअप करके डायरेक्ट लेकर जाकर छोड़ना होगा। चलो गाइस मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। गाइस वहाँ से निकल के, कॉलेज से निकल के सीधा लड़कियाँ जो है वो ट्रेनिंग के लिए अभी ट्रेनिंग में है शायद, तो इसीलिए हॉस्पिटल पे आई। इसके पीछे कॉलेज के पीछे हॉस्पिटल है इन्हीं का, तो हॉस्पिटल पर हूँ अभी मैं फिलहाल, बताता हूँ कहाँ पर हूँ। तो गाइस ये हो गया पार्किंग, इस साइड का पूरा पार्किंग है, ये आके हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं इस बिल्डिंग में। ठीक है, अभी यहाँ पे हूँ थोड़ा टाइम तक, इसके बाद में रिटर्न है ये पार्किंग से निकलने वालों का। ठीक है, तो देखते रहो मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो थोड़े टाइम में निकलने के बाद यहाँ से मैं निकलता हूँ। ठीक है, ये देखो गाइस ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ये किंग सऊद यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हूँ मैं अभी फिलहाल। बस लेडीज लोगों का कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, लेडीज लोगों का है, पूरा औरत लोग रुके हैं ऊपर। हमारे को जाना यूटर्न, अंदर जाने के लिए वो पूछेगा, फायदा नहीं है, हम लोगों को अंदर तो छोड़ते नहीं। मेरी लड़कियां, बस कपिल की जो लड़कियां हैं वो ट्रेनिंग के लिए, बस चेकअप के लिए जाते, क्या ट्रेनिंग करते हैं पता नहीं मेरे को, तो वो नर्स का कुछ पढ़ रही है। तो आज हॉस्पिटल लेके आए यानी कॉलेज से इनको ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग के लिए बोले तो भी एक 20 मिनट जाते बस, और कुछ भी नहीं, 20 मिनट जाके आ जाते, तो इसी वजह से इधर लेके आया। तो ऐसा ही घूम रहा हूँ मैं, राउंड मार रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत रहती, इधर उधर जाने के लिए, जाने के लिए नहीं देते, सिग्नल छूटा है, चलो चल जाएंगे। लड़की फोन करी तो वहां से आएंगे, इधर जाने के लिए मेन जगह नहीं है, मेन बात यह कि इमरजेंसी बिल्डिंग है आगे का, हॉस्पिटल का इमरजेंसी बिल्डिंग आके आगे है, इंटर हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ये, इंटर हेल्थ का। यहाँ के जो नजर आ रहा है यहाँ के राउंड बिल्डिंग, जो मैं यूटर्न करके बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ के इमरजेंसी बिल्डिंग है, अभी जो गई पीछे, तो यूटर्न करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। कैसे ये जो नजर आ रहा है यहाँ के इमरजेंसी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हेल्थ केयर इमरजेंसी बिल्डिंग है, इसके आगे जाके ये मेन लेना पड़ेगा यानी राइट। तो जैसे ये लोग निकलते हैं आप लोगों को तब करके, तो आप लेके जाके छोड़ने के बाद मिलते हैं। गाइस देखते रहो मेरा वीडियो को, बैक टू ड्यूटी गाइस, यानी मदरसे से सीधा लेके आके कॉलेज से लेके आके छोड़ दिया, तो किधर भी तो गया नहीं, सो गया था मैं। तो अभी रात के 9 बज रहा, सऊदी अरब में रात के 9 बजे बोले तो इंडिया का होता 11:30 यानी 11:30। तो ये लोग कल शायद छोटे बच्चे आज नहीं गए ना, तो
और स्कूल के लिए कल जाते हैं, इसीलिए कुछ बुक्स लेने के लिए अल नखिल मॉल करके है इधर पे, तो वहाँ पर हूँ मैं अभी फिलहाल। नखिल मॉल के यहाँ पर यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे नखिल मॉल है इस साइड में, तो इस जगह हूँ फिलहाल अभी मैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी मस्जिद भी है, बुक शॉप का दुकान है देखो इधर पे, एक ग्रीन जो लाइट सी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हूँ मैं अभी फिलहाल, तो यहाँ से जाने के बाद रूम पे जाएंगे, टू व्हीलर जाना। देखो बहुत दिन बाद टू व्हीलर देखने मिला, तो इधर पहली बार तो टू व्हीलर देखने नहीं मिलता। गाड़ी देखो कैसा लगाए लोग, ये कि इसमें पार्किंग लगाए, तो जैसे ये लोग आ जाते हैं इंशाल्लाह वापस से जाके इन लोगों को लेकर जाना पड़ता। गाइस देखते रहो मेरे वीडियो को, और जो आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है ब्लॉग्स करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे लिए सपोर्ट करो। तो ये अभी भी इन लोगों का ग्रीन ख़त्म नहीं हुआ, सैटरडे के दिन अल वतनिया करके इनका दिन था, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारा रहता ऐसा ही था, तो इधर पे अभी भी ग्रीन ही है। इंशाल्लाह चलो गाइस जब भी ये आते हैं आप लोगों को मिलता हूँ, जो यहाँ का मेरा डेली रूटीन है, मेरा जो लाइफस्टाइल है आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है। गाइस आ गए अभी, ड्यूटी आज 11 बजे ख़त्म हुई, आज मदरसा भी है सुबह 5:30 बजे, फिर भी आज 11 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई। तो वहाँ से बुक स्टोर से लेके फिर दूसरी जगह गए, वहाँ से मैकडॉनल्ड्स गए थे, तो क्यों वीडियो नहीं बनाया, लंबी वीडियो हो जाएगी करके नहीं बनाया। तो गाइस आज की ड्यूटी जो है हमारा जो हॉर्स ड्राइविंग का जो काम करता, हाँ जो हमारी लाइफ जो इधर पे हम लोग गुजारते हैं, तो अभी ख़त्म हुआ, अभी जाके खाना खा के सोना पड़ता। तो 11 बज रहा अभी, इंशाल्लाह चलो फिर मिलेंगे कल नहीं अगली वीडियो में। गाइस आपके स्क्रीन पर जो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना, फिर मिलेंगे कल नहीं अगली वीडियो में। माशाल्लाह शुक्रिया, टेक केयर।